हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशु। आज मैं बताने वाला हूँ कि शरद ऋतु में कुछ पेड़ अपने पत्ते क्यों गिराते हैं। पेड़ खुद को जीवित रखने के लिए अपने पत्ते गिराते हैं। पेड़ों के लिए पत्ते गिराना मौसमी विकास चक्र का तार्किक अंत होता है और सर्दियों में सफलता पूर्वक जीवित रहने का एक तरीका है। जिस तरीके से जीव जंतु मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी तरीके से पेड़ों को अपनी एनर्जी और अपने को जीवित रखने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। और फोटोसिंथेसिस केवल हरी पत्तियां ही कर सकती हैं। हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे धूप को सोख लेते हैं और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में बदल देते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल के अलावा लाल और पीले पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। जाड़ों के मौसमों में क्लोरोफिल तनों में जमा होते हैं। जड़ों में ये लाल पीले रंग सामने दिखाई देते हैं। सर्दियां आने से कुछ समय पहले ही दिन छोटे होने लगते हैं। इस समय पेड़ पौधे भी पतझड़ से मुकाबला करने के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार करने में जुट जाते हैं। सर्दियों में जब पानी जम जाता है, पानी की कमी होती है या फिर ड्राउट कंडीशंस होते हैं, तब पेड़ों को फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। ऐसे में पत्तियों की कोई उपयोगिता नहीं रहती है, इसलिए कुछ पेड़ अपनी पत्तियां गिराकर अपनी एनर्जी बचाते हैं और बसंत ऋतु आने का इंतजार करते हैं। बसंत आने पर जब दिन वापस से बड़े हो जाने लगते हैं और तापमान बढ़ने लगता है, तब जड़ों और तनों में जमा क्लोरोफिल ऊपर आने लगता है और पेड़ हरा भरा होने लगता है। और इस तरीके से पेड़ का सामान्य जीवन फिर से शुरू हो जाता है। मौसमी पत्ती परिवर्तन पौधों के लिए एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके दौरान वे शाखाओं से पत्ते गिराते हैं तथा ताकि ठंड के मौसम में और साथ ही सूखे के दौरान मर ना जाए। वही पेड़ और पौधे द्वारा पत्ते का गिराना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये खुद पौधों के लिए जिस मिट्टी में ये उगते हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो पेड़ सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उसे डेसीडियस ट्रीज कहते हैं। मगर कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, उन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। तो उम्मीद होगी दोस्तों आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज साथ में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आपको हमारी जब भी कोई नेक्स्ट कमिंग वीडियो आए तो आप उसको देख सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।